हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज़। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम यूजर से इनपुट लेना सीखने वाले हैं यूजिंग स्कैनर क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जावा में यूजर से इनपुट लेने के चार तरीके होते हैं। पहला होता है कंसोल क्लास के थ्रू, दूसरा होता है इनपुट स्ट्रीम क्लास के थ्रू, तीसरा होता है बफर रीडर क्लास के थ्रू, चौथा होता है स्कैनर क्लास के थ्रू। आज के इस लेक्चर में हम स्कैनर क्लास की हेल्प से यूजर से इनपुट लेना सीखेंगे। तो हम स्कैनर क्लास के बारे में कुछ समझ लेते हैं। जावा के यूटिल पैकेज के इनसाइड स्कैनर नेम का क्लास होता है। इसके पास सभी तरह की वैल्यू को रीड करने की सेपरेट सेपरेट मेथड होती है। स्टूडेंट के लिए स्कैनर नेम की क्लास का यूज़ करके यूजर से इनपुट लेना काफ़ी आसान होता है। तो हम भी यहाँ पर स्कैनर नेम की क्लास का यूज़ करके यूजर से इनपुट लेना सीखते हैं। बहुत आसान है। यहाँ पर आपको यहाँ यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनर नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेना है और उसके पैरामीटर में सिस्टम नेम की क्लास से इन नेम की फील्ड को कॉल कर देना है। अब यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को आपको स्कैनर नेम की क्लास के रेफरेंस में ही असाइन करना है, इस तरीके से। क्योंकि स्कैनर नेम की जो क्लास है वो जावा के यूटिल पैकेज के इनसाइड होती है, तो हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा का यूटिल पैकेज, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर यूजर को मैसेज देना है कि हमें किस टाइप की वैल्यू को रीड करवाना है। तो हम यहाँ पर यूजर को मैसेज दे रहे हैं कि हमें एक नेम रीड करवाना है। तो इसके लिए मैसेज हम लिखेंगे यहाँ पर इंटर योर नेम। अब अगर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू यूज़र डाल रहा है और उसे आपको रीड करना है, तो स्कैनर नेम की क्लास के पास नेक्स्ट नेम का मेथड होता है। जब आप इसे कॉल करेंगे तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में वैल्यू को रीड कर लेगा। अब हम इसे प्रिंट करवा देंगे यहाँ पर, इस तरीके से। बहुत आसान है। कंपाइल और रन करके चेक करते हैं। हमने यहाँ पर CMD ओपन कर लिया है। तो कंपाइल किया है यहाँ। कंपाइल हो चुका है। अब रन करके चेक करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि आपका नेम डालिए। मैंने यश डाला, इंटर किया, उसने प्रिंट किया नेम यश। मैं यहाँ पर अगर यश पोगरा लिखूँगा तो ये स्पेस, यानी कि यश के बाद जो स्पेस है उसके बाद जो स्ट्रिंग है उसको रीड नहीं करेगा। यहाँ पर इसने क्या प्रिंट किया? केवल यश प्रिंट किया। तो अगर आपको पूरा लाइन प्रिंट करवाना है तो इसके पास नेक्स्ट लाइन नेम का मेथड होता है। अब फिर से इसे कंपाइल और रन करते हैं। हमने कंपाइल किया, ये कंपाइल हो चुका है। हमने रन किया, अब हमने लिखा यहाँ पर यश पोगरा। तो आप देख सकते हैं यश पोगरा प्रिंट हुआ है। अगर आपको इंटीजर वैल्यू रीड करना है तो बहुत आसान है। मैंने लिखा इंटर ए नंबर और यहाँ पर मेथड हम कॉल करेंगे नेक्स्ट इंट। तो ये यूजर से इंटीजर वैल्यू को रीड कर लेगा। हम इसे इंटीजर टाइप के वेरिएबल में असाइन कर देंगे और यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। बहुत आसान है। कंपाइल करते हैं, रन करते हैं इसे और यहाँ पर मैं वैल्यू डाल देता हूँ 12। यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो चुका है 12।
अगर आपको फ्लोट वैल्यू रीड करना है तो यहाँ पर आपको कॉल करना पड़ेगा नेक्स्ट फ्लोट नेम का मेथड। आप इसे फ्लोट टाइप में असाइन कर लें और फिर प्रिंट करवा दें। हमने कंपाइल किया यहाँ पर और कंपाइल करने के बाद रन करते हैं। यहाँ पर फ्लोट वैल्यू डाल देता हूँ मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लोट वैल्यू प्रिंट हो चुका है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने बात किया स्किनर नेम की क्लास के बारे में, साथ ही साथ इसके थ्रू यूजर से इनपुट लेना भी सीखा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।